पंजाब पर बीते कई साल से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब हालात ये है कि पंजाब की कुल कमाई का 22 फीसदी हिस्सा केवल ब्याज के भुगतान में जा रहा है। प्रदेश पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का 47 फीसदी कर्जा है। ये खुलासा बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में हुआ। पंजाब पर देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर्ज है, जबकि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार कर्जा GDP अनुमान 20% से कम होना चाहिए, लेकिन ये मापदंड केवल 3 राज्य ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र ही पूरा करते हैं, जबकि अन्य राज्य कर्ज के बोझ में दबे हैं, जिनमें पंजाब सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर बिहार और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री पंजाब हर मंच और रैली के दौरान पंजाब सरकार का खजाना पूरी तरह भरे होने का दावा करते हैं। वह पुरानी सरकारों पर उनके कार्यकाल में प्रदेश का खजाना हमेशा खाली होने का तंज भी कसते रहे, लेकिन सामने आई बैंक की इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि पंजाब की वित्तीय हालत अभी इतनी मजबूत नहीं कि वह रिजर्व बैंक के नियमों के मापदंड के अनुसार GDP अनुपात का संतुलन बना सके। पंजाब सरकार फिलहाल तक प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं ला सकी। हालांकि प्रदेश के 2 बड़े इन्वेस्ट समिट और टूरिज्म समिट एवं ट्रैवल मार्ट करवाए गए हैं। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक पंजाब के सिर पर तकरीबन 33 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि 31 जनवरी 2023 तक 2.81 लाख 954 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सरिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।